Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you're tuning with me. So viewers, हम solve करने जा रहे हैं लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के assignment, ये spring 2021 की assignment है. Course इसका है compulsory English 2 और ये तीन course के लिए है 1424, 5411 and 9408. और इसका लेवल जो है वो है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. ठीक है, 100 मार्क्स की इसके ये असाइनमेंट्स और 50 मार्क्स आपने लेने. असाइनमेंट नंबर 1 है और ये यूनिट 1 से 4 पे बेस करती है. इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डायरेक्टली जो है हम वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम कर चुके हैं, 3 भी कर चुके हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4, read unit 2 which is on sequence or chronological order. ठीक है, वो कह रहे हैं कि unit 2 पढ़ें जो के sequence और chronological order पर base करता है. Unit 2 के complete lectures जी इस video के description में मैं add कर दूंगी, तो please आप वहां से अपने book के lectures पर पढ़ सकते हैं ताकि मजीद आसानी से आप इस question को समझ सकें. Page number 39-72, sequence is a writing technique. Sequence क्या है? एक लिखने की तरीका कार है that writes used to present information in a step by step manner or in a process or in a sequence of story, for example. कह रहे हैं कि sequence marker क्या होता है, ये sequence में लिखना क्या होता है, ये step by step चीजों को लिखना, explain करना, जैसे किसी story को या किसी तरकीब को लिखना हो सकता है. मिसाल आपको दी गई भी है, ठीक है, आप अपने lectures देखेंगे वहाँ पे ये मौजूद है, वहाँ पे ये same text मौजूद है लेकिन वो different तरह से लिखा गया है. concept यही है, यहाँ उन्होंने डिफरेंट वे में आपको एक्सरसाइज दी. कैन नाउ लिंक कनेक्ट द सेंटेंसेस गिवन इन द फॉलोइंग टेक्स्ट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट सीक्वेंस मार्कर. तो आपने क्या यूज करने, सीक्वेंस मार्कर यूज करने जो नीचे आपको टेक्स्ट दिया गया इसमें, जैसा कि क्या है, सच, सेकेंडली, सब्सिक्वेंटली, देन, आफ्टर, फाइनली, बिफोर, एटलीस्ट, एक्सेट्रा. कि उन्होंने सिर्फ एग्जांपल दी, इसका हरगिज मतलब नहीं आपने सिर्फ ये यूज करना है, आपने जो अप्रोप्रिएट है उसके अकॉर्डिंग और भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू यूज एटलीस्ट 10 सीक्वेंस मार्कर इन योर आंसर. आपने कितने देने हैं, 10 देने हैं. ठीक है जी, मैंने यहाँ सारे हल कर दिए हैं. ठीक है, तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा. यहाँ लिखा हुआ लेट अस डिफाइन हु अ प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम इज. कहते हैं डिफाइन करना है, तो सबसे पहले कोई भी पूछेगा तो बात करेगा कि लेट अस फर्स्टली, सबसे पहले मुझे डिफाइन कर दें, करने दें कि प्राइम मिनिस्टर होता कौन है. राइट, अब यहाँ वो डेफिनेशन दे रहे हैं. अब प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री. प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, मुल्क का क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है. ठीक है, अब मैं दूसरी बात शुरू करूंगी तो मैं क्या कहूंगी, सेकेंडली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान. दूसरी बात यह कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, पहले आएगा तो बिफोर आ जाएगा. ठीक है, बनने से पहले क्या करना होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है सबसे पहले वन नीड्स टू बिकम द लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. सबसे पहले उसे एक सियासी पार्टी का लीडर होना चाहिए. सेकेंडली दूसरी बात क्या है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट पार्टी मस्ट ऑल्सो हैव अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ सीट इन द नेशनल असेंबली. और पार्टी को दूसरी बात क्या, पार्टी को नेशनल असेंबली में, कौमी असेंबली में अक्सरियत हासिल होनी चाहिए, ज्यादा सीट्स होनी चाहिए. एंड देन, और उसके बाद वन मस्ट ऑल्सो विन अ नेशनल असेंबली सीट. उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसके बाद उसे क्या है, नेशनल असेंबली की सीट भी इसके साथ साथ जीतनी होगी. ठीक है, एंड After having won the National Assembly seat and having a majority in the House, वो कह रहे हैं कि National Assembly में सीट हासिल करने और मेजोरिटी हासिल करने के बाद at last, आखिरकार one must also be in a position, एक शख्स इस position में होगा to take the vote of confidence, के वो vote of confidence हासिल करे. Finally, आखिरकार calling oneself द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आखिरकार वो खुद को या बिला आखिर वो खुद को पाकिस्तान का या मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहलाने के काबिल हो जाएगा. सो आपने व्यूवर्स इनको आप डिफरेंटली भी कर सकते हैं. ये मैंने अपनी परसेप्शन के हिसाब से, कि जरूरी नहीं है आपने एज इट इज लिखना है,
लेट अस फर्स्ट भी कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट भी लगाया है, ठीक है, आप इस तरह सेकेंड भी लगाया अगर आपको अप्रोप्रिएट लगता है। यहां से यहाँ आप स्कैंडी की जगह हाउ एवर भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो आपने इस चीजों को देखना है, या आफ्टर दैट लगा सकते हैं, जो भी वर्ड सो एवर आपको लगता है, तो आप ये चेंज हो सकते हैं, आप इन्हें डिफरेंट वे में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो जहां तक मैंने आपकी हेल्प की, होपफुली आपके लिए आसानी होगी। मैं एक दफा फिर कहती चलूं, सेम टू सेम आप लोगों ने नहीं करना, आपने कोशिश करनी है थोड़ा बहुत चेंज करके करें, ताकि प्लेजरिज्म की जो कंप्लेंट है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ना आए। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।